बोलिए छठी मैया की जय। टीवी सीरियल रामायण में सीता के किरदार से घर घर में मशहूर हुई दीपिका चिकलिया हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं। आज भी लोग उन्हें सीता के किरदार में ही देखते हैं। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती रहती हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने छठ के पावन पर्व पर एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस ने भी इस पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वो लाल साड़ी पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं। उनके हाथों में पूजा का सूप भी नजर आ रहा है। इस दिन के लिए एक्ट्रेस पूरे पारंपरिक अंदाज में सजी हुई हैं। वीडियो में आगे वो रामायण के राम यानी अरुण गोविल के साथ नजर आ रही हैं। इस दौरान दोनों छठ पूजा की सामग्री लिए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दीपिका और अरुण सिर झुका के छठी मैया की पूजा करते नजर आते हैं। बता दें कि वीडियो पुराना है और किसी शो के दौरान का है। इसके अलावा आपको बता दें कि दीपिका चिकलिया ने अपने नए शो साइट पर भी इसका जश्न मनाया है। उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने शो की स्टार कास्ट के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो सभी फैंस को छठ पर्व की बधाई भी देती दिख रही हैं। एक्शन। नमस्कार, आज हम सब यहाँ पे छठ पूजा की शूटिंग कर रहे हैं। आप सबको छठ मैया की शुभकामनाएं। बोलिए छठी मैया की जय। आप सब बस ऐसे ही प्यार देते रहिए धरती पुत्र नंदनी को जो आ रहा है नजारा पे 8:30 बजे। इन वीडियोस को देखने के बाद लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा, आप दोनों को साथ देख के दिल खुश हो गया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वाओ स्वीट माता सीता प्रभु राम। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जो हम लोग आप दोनों के अंदर सीता माता और प्रभु राम को देखते हैं वही छवि बनाए रखिएगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बहुत ही खुशी हुई आप दोनों को यक साथ देखकर, माता सीता राम जी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, माता सीता छठी मैया की पूजा करते साथ में श्री राम हाय। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा है, आप ही हमारे सियाराम हो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।